शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलमेश्वर निवासी एक शराब विक्रेता की दुकान सावनेर में है। दो दिन पूर्व उसने कलमेश्वर की एक दुकान से बियर खरीदी और सावनेर के लिए निकला। आरोप है कि रास्ते में सावनेर थाने के पीएसआई द्वारा उसे पकड़ लिया गया और कार्रवाई की धमकी देने लगे। इसके बदले में 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके लिए निशांत ने रिश्वत की रकम सावनेर में ही कुणाल ढाबे पर सागर गजरे नाम के एक युवक को देने का कहा। सागर सावनेर का ही रहने वाला है। इस बीच पीड़ित शराब विक्रेता ने एसीबी में शिकायत कर दी। शिकायतकर्ता द्वारा रकम देने का स्थान कुणाल ढाबा के पास सावनेर तय किया गया था। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते पुलिस उपनिरीक्षक और उसके साथी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी के एसपी रश्मि नांदेड़कर और अपर एसपी राजेश दुधलवार के मार्गदर्शन में हुई। कल माननीय पुलिस अधीक्षक मैडम यांच्याकडे एक तक्रार दर आली, त्या अनुषंगाने एसपी मॅडमनी आम्हाला त्यांच्या कार्यालयात बोलवून सदर तक्रारदाराची ओळख करून संबंधित तक्रारदार याची एका लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार आहे असं सांगून संबंधित लोकसेवक हा तक्रारदार यांचेकडून कळमेश्वर येथे सावनेरवरून आय बी कंपनीची दारू वची वाहतूक करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊ नये याकरिता लाच रक्कम 3,000 रुपये मागत आहे अशी तक्रार असल्याचे सांगितले। त्यावरून माननीय वरिष्ठांच्या पोलीस अधीक्षक मॅडम व ॲडिशनल एसपी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने व आदेशान्वये आम्ही सापळा कारवाईचे आयोजन केले। त्या दरम्यान आम्ही सापळा कारवाईसह सावनेर येथे गेलो असता तेथे पडताळणी दरम्यान आमच्या असे निदर्शनास आले की त्यामध्ये एक खाजगी इसम देखील समाविष्ट आहे, त्यामुळे ट्रॅप मणी जो होता आमच्याकडचा तो खाजगी इसम याने सुरुवातीला स्वीकारला, परंतु त्याने सदरची रक्कम ही निशांत जुनोनकर यांच्यासाठी स्वीकारली असल्याचे सांगितल्याने जुनोनकर यांना फोन करून म्हणजे यांच्यामार्फतच खाजगी इसमांमार्फत फोन केला असता त्यांनी एक कुणाल ढाबा म्हणून आहे तिथे येण्यास सांगितलं। त्याप्रमाणे आम्ही सापळा पार्टी पूर्ण तिथं गेलो। कुणाल ढाब्याच्या तिथं खाजगी इसम सागर गजरे यांच्याकडूनच निशांत जुनोनकर यांनी सदरची 3,000 लाच रक्कम स्वीकारली, त्यावेळी आम्ही त्यांना रंगेहात पकडले। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, एनबीसीएन न्यूज, नागपूर।